15 साल तक अलेक्जेंडर ने एक भी लड़ाई नहीं हारी। अलेक्जेंडर को खुद एरिस्टोटल ने पढ़ाया था और अलेक्जेंडर की मृत्यु दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य है। सो जी हाँ दोस्तों, ये है सिकंदर महान उर्फ अलेक्जेंडर की कहानी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री का एक बेहतरीन चैनल हिस्ट्री फॉरएवर। अलेक्जेंडर का जन्म 356 BC में हुआ था। वह मैसेडोनिया के ग्रीक किंगडम के पहला क्षेत्र में पैदा हुए थे और उनकी मृत्यु 323 BC में हुई थी और वह सिर्फ 23 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। अलेक्जेंडर को द ग्रेट की भी उपाधि दी गई है और हिंदी में उन्हें कहा जाता है सिकंदर महान। पर आजकल हिस्टोरियंस द ग्रेट का पद कम से कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप एक बंदे को ग्रेट कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि दूसरे बंदे खराब थे। अलेक्जेंडर किंग फिलिप टू के बेटे थे और जब वो सिर्फ 13 वर्ष के थे तब उन्होंने एक ऐसे घोड़े को काबू में कर लिया था जिसे बड़े बड़े घुड़सवार काबू में नहीं कर पाए थे। उस घोड़े का नाम था ब्रूसा फिलिप्स। इस घटना ने मैसेडोनिया के किंग फिलिप टू ऑफ मैसेडन को बहुत प्रभावित किया और एक दिन उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुला के बोला, अलेक्जेंडर तुम्हारी प्रतिभा बहुत ज़्यादा है, तुम मैसेडन के किंगडम के लायक नहीं हो। अलेक्जेंडर अपने पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाते थे क्योंकि उनके पिता अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिलिट्री कैंपेन्स में देते थे। अलेक्जेंडर को इस बात का दुख तो था कि वह अपने पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं बिता पाए। अलेक्जेंडर को उनके आगे की शिक्षा एप्रस की ल्यूनिडास से मिली। ल्यूनिडास को फिलिप टू ने अलेक्जेंडर को गणित सिखाने के लिए रखा था और वे उसे गणित के साथ साथ घोड़ेबाजी भी सिखाते थे। लीची मार्कस अलेक्जेंडर के अगले टीचर थे। उनके बाद फिलिप टू ने अलेक्जेंडर को पढ़ाने के लिए बहुत फेमस फिलोसोफर एस्ट्रोटॉटल उल्फ अरिस्टो को अलेक्जेंडर को पढ़ाने के लिए बुलाया। उन्होंने उसे 3 साल तक पढ़ाया। इन 3 सालों में एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को फिलोसॉफी, मैथ्स, कविताएं, राजनीति, पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई। फिर उन्होंने एक चीज़ देखी कि अलेक्जेंडर में योद्धा बनने की इच्छा है। अलेक्जेंडर ने अपना पहला युद्ध अभियान थ्रेशियन लोगों के खिलाफ किया था। जब फिलिप टू ने स्पार्टा को छोड़कर सारी ग्रीक स्टेट्स को एकजुट करके कंबाइन कर दिया तो अलेक्जेंडर और फिलिप टू के बीच में दूरियां बढ़ गई। फिलिप टू ने यूरेडाइस से शादी कर ली और अलेक्जेंडर की माँ ओलंपिया को छोड़ दिया। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर और उसकी माँ ओलंपिया को मैसेडोनिया छोड़ना पड़ा। उसके बाद किंग फिलिप टू की मृत्यु ऑसिनियस के द्वारा हो गई। इस घटना ने अलेक्जेंडर को मजबूर कर दिया मैसेडन के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए। उस समय अलेक्जेंडर की उम्र मात्र 19 साल थी। फिर जब अलेक्जेंडर राजा बन गए तो उन्होंने अपनी बहुत सारी मिलिट्री कैंपेनिंग की और छोटे से समय में लगभग पूरी दुनिया को जीत लिया। अलेक्जेंडर को एक ग्रेट जनरल भी बोला जाता है, पर हिस्टोरियंस के बीच में यहाँ एक डाउट आता है कि अलेक्जेंडर एक अच्छे जनरल थे या उनकी आर्मी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी। उनके पास लंबे लंबे भाले थे जिन्हें स्पेड्स बोला जाता था, उनसे वे दुश्मनों को बहुत दूरी से मार सकते थे। फिर अलेक्जेंडर ने 18,000 किलोमीटर की दूरी के क्षेत्र भी जीतने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने अपने घोड़े ब्रूसा फिलिश के साथ उत्तर के ग्रीस से लेकर दक्षिण में भारतीय पंजाब तक अपना साम्राज्य फैलाया। फिर उन्होंने सारे इलाके व्यापार से बांध दिए। अलेक्जेंडर को एक अच्छा जनरल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि नेपोलियन भी अलेक्जेंडर जैसा बनना चाहता था।
अलेक्जेंडर के बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे, पर वह एक बहुत ही बढ़िया जनरल थे और वह आने वाले युग के लिए एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन बन गए हैं। हर कोई उनसे इंस्पायर है। अलेक्जेंडर को इतना बड़ा जनरल और इतने बड़े साम्राज्य का मालिक बनाने में उनके टीचर एस्ट्रोटॉटल का भी बहुत बड़ा योगदान था। अलेक्जेंडर बड़े ही जगहें जीतने में तो अच्छे थे, पर उनके ऊपर रूल करने में नहीं, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद उनके सारे किंगडम बिखर गए और फिर उन किंगडम्स को उनके जनरल्स द्वारा चलाया गया और उन्हें हेजिटेरियस किंगडम कहा गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट उर्फ सिकंदर महान की। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस मिलती रहेंगी।